गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक कीपैड फ़ोन दिख रहा है गाइस, इसे हम लोग बटन वाला भी फ़ोन कह सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाऊंगा, मान लो कोई भी बटन जैसे ना काम करे तो आप लोग कैसे बनाओगे, कैसे ट्रेस करोगे। मान लो कभी कभी हो जाता है गाइस, यहाँ पर एक नंबर या दो नंबर कोई भी बटन जैसे नहीं काम करते तो आप लोग उसे कैसे ट्रेस करोगे, कैसे बनाओगे, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने एक कॉपी पर नोट्स बना लिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे, फिर उसी प्रकार हम लोग स्टेप बाई स्टेप इस फ़ोन में करेंगे। सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको इसे ऑन करके और बटन को प्रेस करके दिखा देना चाहता हूं। इसमें हमारी बटन दो बटन नहीं काम कर रही है। ठीक है गाइस, तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अब यहां पर देखो, मैं पावर की को ऐसे शॉर्ट करूंगा तो सेट हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो गाइस यहां पर देखो, पावर की को मैं शॉर्ट कर रहा हूं, सेट को ऑन करते हैं। तो ये वाली, सॉरी गाइस, ये पावर बटन है, मैं दूसरी पे प्रेस कर रहा था। आपको ये तरीका कोई नहीं बताएगा जैसे मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो हमारा सेट ऑन हो रहा है। अब गाइस यहाँ पर देखो, हमारी ये जो बटन है ये भी नहीं काम कर रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ पे गाइस चालू करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, सक्रिय करेंगे। ठीक है, ये ओके गाइस, यहाँ पर देखो मैंने सेट को पूरा ऑन कर लिया। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा सेट पूरा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बटन को दबाकर आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कट करेंगे, ये देखो मैंने कट किया। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार ये देखो मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं बीच वाले पे ऐसे करके चिमटी शॉर्ट करूँगा प्लस माइनस पे, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देखो, ये देखो ये भी बटन हमारी वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं टच करूँगा यहाँ पर लाइट देखना जलने लगेगी, लॉक हो चुका है गाइस। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये देखो लॉक गाइस इस प्रकार खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें हमारी पावर बटन और ये थ्री नंबर की बटन नहीं काम कर रही। तो आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले गाइस लाइव आपको बताऊंगा कैसे आप लोग ट्रेस करोगे, कैसे बनाओगे। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बताने वाला हूँ। कोई भी बटन हो, मान लो जरूरी नहीं कि यही बटन बीच वाली या तीन नंबर बटन जैसे मेरे फ़ोन पर है वैसे आपके फ़ोन में हो, ऐसा नहीं गाइस। आपके पास कोई भी फ़ोन आता, चाहे टच वाला हो चाहे कीपैड वाला हो, उसमें कोई भी बटन जैसे न काम करे तो आप लोग उसे कैसे बनाओगे, यहाँ पर सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ। इस प्रकार की वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। पहले गाइस यहां पर आप लोग देख लो कॉपी पे मैंने क्या लिखा है। देखो, यदि कीपैड फोन में बटन ना काम करे तो आप लोग उसे कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, यदि कीपैड फोन है उसमें बटन ना काम करे तो फोन को बनाना सीखो। मान लो आपके पास कोई भी बटन वाला फोन है उसमें बटन ना काम करे तो आप लोग बनाना सीखो। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में बनना, देखो पहले स्टेप में मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले आपको फोन को खोल के चेक करें, देखो सबसे पहले आपको फ़ोन को खोलना है, चेक करें उसमें पानी तो नहीं गया है। ठीक, उसमें पानी तो नहीं गया है। पानी गया हो तो आपको थिनल या पेट्रोल की मदद से साफ़ करें और बटन को दबा के चेक कर लें। देखो आपको यहाँ पे पानी जैसे गया फ़ोन में, आपको पेट्रोल या थिनल की मदद से इसे साफ़ कर लें और बटन को दबा के चेक कर लें। ठीक है, आपका बटन काम करने लगेगा तो ठीक है, आपको आगे स्टेप पर नहीं बढ़ना, स्टॉप हो जाना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख लो, जैसे आप लोगों को फिर भी बटन ना काम करें तो अब यहाँ पर आपको दूसरे स्टेप में बढ़ना। देखो दूसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा है, फिर भी आपकी बटन ना काम करे तो आपको बटन की जगह पर स्क्रैच करें और फिर आपको बटन को दबा के चेक करें, आपकी बटन काम करेगी। देखो मान लो जैसे आप लोग पहला स्टेप अपना लेते हो, साफ आप कर लेते हो, फिर भी आपकी बटन ना काम करे तो अब यहाँ पर आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है। देखो ये जो मान लो हमारी बटन, जैसे मान लो एक नंबर नहीं काम कर रही, यहाँ पर आप लोग देखो कि इसमें आपको दो पॉइंट दिखाई देंगे, एक माइनस एक प्लस। तो आप लोगों को यहाँ पर किसी नुकीली सामान की मदद से ऐसे करके स्क्रैच कर लेना माइनस पे और प्लस पे। ठीक, ऐसे करके आप लोग थोड़ा स्क्रैच करना, ज़्यादा नहीं करना, कैसे ऐसे करिए थोड़ा ज़्यादा नहीं करना, आप लोग ध्यान रखना। और फिर आपको बटन को दबा के देख लेना, आप लोगों की बटन काम करने लगेगी तो ठीक है, ना करे तो अब यहाँ पर आपको तीसरे स्टेप में बढ़ना। देखो तीसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा है, फिर भी आपकी बटन ना काम करे तो आपको बटन की सप्लाई चेक करें मल्टीमीटर से। देखो फिर भी आप लोगों की बटन नहीं काम करे तो हम लोग यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे मल्टीमीटर से। देखो जैसे बटन में सप्लाई ना आए तो बटन को ट्रेस करें, जैसे मान लो बटन में यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही तो हम लोग बटन को ट्रेस करेंगे कहाँ पर सप्लाई कटी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे कीपैड बना दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें देखो कीपैड जितनी बटन दी रखी है यहाँ पर मैंने बना दिया गाइस। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक बटन का कनेक्शन एक दूसरे से होता है गाइस। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अब हम लोग स्टेप बाई स्टेप बढ़ेंगे। देखो गाइस यहाँ पर इस फ़ोन में मैंने यहाँ पर देखो पहले स्टेप भी करके देख लिया है, दूसरा स्टेप भी मैंने करके देख लिया, फिर भी यहाँ पर हमारी जो बीच वाली बटन ये काम नहीं कर रही और यहां पर तीन नंबर बटन हमारी काम नहीं कर रही। अब गाइस यहां पर हम लोग करेंगे तीसरा स्टेप अपनाएंगे, तीसरा स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप चलना जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, मगर गाइस यहां पर मैंने दोनों स्टेप करके देख लिया, हमारी बटन नहीं काम कर रही, इसलिए यहां पर मैं अब तीसरा स्टेप करके देखने जा रहा हूं। देखो
फिर भी आपकी बटन ना काम करे तो आपको बटन की सप्लाई चेक कर लेना। यहाँ पर देखो, अब हम लोग करेंगे आप बटन की सप्लाई चेक करेंगे मल्टीमीटर से। यहाँ पे सप्लाई आ रही नहीं, तो सप्लाई कैसे चेक करो कि आपके पास कोई भी मल्टीमीटर चलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों के मल्टीमीटर के स्विच यहाँ पे बजर मोड में सेट कर लेना, कंटिन्यूटी के मोड में। यहाँ पर देखो मैंने सेट कर लिया, ठीक है, बीप के मोड में आपको सेट कर लेना कोई भी मल्टीमीटर है। और मल्टीमीटर के वायर आपको कुछ इस प्रकार लगाना है, और यहाँ पर आप लोग टच करके देख लेना, इसमें बीप की आवाज़ आए तो आप लोग समझ लेना आपका मल्टीमीटर ओके। अब यहाँ पर देखो आप लोग सप्लाई कैसे चेक करोगे, जब भी आप लोग सप्लाई चेक करो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो मल्टीमीटर का ये रेड वाला वायर है, लाल वाला, इसे आप लोगों को फोन के ग्राउंड के साथ ऐसे अटैच कर देना माइनस के साथ। यहाँ पर देखो ये ग्राउंड है, मैं इसे अटैच करता हूँ। मान लो गाइस ये हमारी बटन बीच वाली नहीं काम कर रही। अब यहाँ पर हम लोग सप्लाई चेक करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस पे सप्लाई आ रही, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको और दिखे अच्छी तरह। यहाँ पर देखो ये मैंने जूम कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारी बीच वाली बटन नहीं काम कर रही है। अब यहाँ पर हम लोग माइनस पे पहले चेक करेंगे, यहाँ पर देखो सप्लाई आ रही माइनस पे। अब हम लोग प्लस पे चेक करेंगे, और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सप्लाई नहीं आ रही। अब यहाँ पर आप लोग चाहे जितना साफ करो, स्क्रैच करो, आपकी बटन कभी भी नहीं काम करेगी, क्योंकि इसे हम लोगों को ट्रेस करना होगा इसकी सप्लाई कहाँ पर जा रही। अब गाइस यहाँ पर देखो हमारी जो तीन नंबर की बटन है ये भी नहीं काम कर रही। यहाँ पर देखेंगे देखो यहाँ पर भी सप्लाई आ रही, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही। रीडिंग नहीं आ रही तो आप लोग समझ लेना इसकी सप्लाई कटी है, ब्रेक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ये हमारी छः नंबर की बटन, इस पर चेक करेंगे, देखो यहाँ पे सप्लाई आ रही नहीं, यहाँ पर देखो इस पर रीडिंग आ रही, इस पर रीडिंग आ रही। ये सब हमारी बटन काम करेगी, जिस पर रीडिंग आएगी तो वो सब आपकी बटन काम करेगी, जिस पर रीडिंग नहीं आएगी तो आप लोग समझ लेना उसकी सप्लाई कटी है, उसकी लाइन कटी है। अब आप लोग उसे कैसे ट्रेस करोगे, यहाँ पर मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, आपको इस प्रकार कोई नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, कि मैंने जूम आउट कर लिया, इतना जूम आउट कर लिया। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सेट कौन करना है, ठीक है, जो भी बटन आपकी ना काम करे आपको सबसे पहले सेट को ऑन करना। ये देखो मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब यहाँ पर गाइस हम लोग यहाँ पे पावर की को प्रेस करेंगे, मतलब सेट को ऑन करेंगे। ये देखो सेट को मैं ऑन करता हूँ चिमटिंग मदद से, प्लस माइनस पे टच करेंगे सेट तो हमारा ऑन हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर गाइस बैटरी अच्छी तरह से लगा लेता हूँ, क्योंकि बैटरी अच्छी तरह से नहीं लगेगी तो यहाँ पर सेट हमारा ऑन नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो कोई भी फ़ोन आता है तो आप लोग चिमटी की मदद से उसे पता कर सकते हो इसकी लाइन कहाँ पे जा रही है, तो आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस अगर मैंने आपको दिखा दिया मल्टीमीटर से ट्रेस किया यहाँ पर सप्लाई इसकी ब्रेक है, तो और ब्रेक है तो आप लोग उसे कैसे ढूंढोगे, यहाँ पर चिमटी की मदद से आपको ढूंढना होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहले इसे, ये देखो गाइस यहाँ पर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पर देखो मैंने इसे ऑन कर लिया, ओके, कैसे पूरा ऑन हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग इसे कट करेंगे, एक बार फिर से हम लोग प्रेस करेंगे। ये देखो ओके गाइस, आप यहाँ पर देखो जैसे मैं तीन नंबर के बटन पर ऐसे करके टच करूँगा, यहाँ पर देखो ये हमारी बटन काम नहीं करेगी। आप लोग यहाँ पर देख लो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारी तीन नंबर की बटन है इसके प्लस वाले पे सप्लाई नहीं आ रही। तो गाइस आप लोग ध्यान रखना, जो भी आप लोगों की बटन ना काम करें और जिस पॉइंट पर सप्लाई ना आए तो आप लोग उस पॉइंट को छोड़ देना। यहाँ पर देखो ये जो हमारी तीन नंबर की बटन है, ये जो प्लस वाला पॉइंट है इस पर सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट को छोड़ देना है। और यहाँ पर जो माइनस वाला पॉइंट है इस पर देखो सप्लाई आ रही, एक पॉइंट आपको चिमटी के इस माइनस पर रखना है, और जितनी बटन इसमें दी रखी है आपको हर एक बटन पे दबा के देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं ये ऐसे करूँगा, देखो चिमटी का एक पॉइंट यहाँ पे माइनस पे रखूँगा तीन नंबर के, और जितनी बटन दी रखी है हर बटन के प्लस वाले पॉइंट पे आपको दबा के देख लेना है। देखो ये नौ नंबर की यहाँ पे सप्लाई रही, नहीं काम बनेगा। तो इस प्रकार का आपको चेक करना है, यहाँ पर देखेंगे इसमें पाँच नंबर की, ठीक है, इसी प्रकार आपको चेक करना है, फिर से हम लोग चेक करेंगे। तो गाइस अभी आप लोग देखना हर एक बटन का कनेक्शन एक दूसरे से होता है। यहाँ पर देखो ये मैं इस पर रखूँगा माइनस पे, यहाँ पर हम देखो यहाँ पे नौ नंबर का। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी काम नहीं बन रहा, अब हम लोग इधर से चेक करेंगे। तो आपको इस प्रकार गाइस यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, कौन से बटन पे किसकी लाइन जा रही है। यहाँ पे देखो ये लॉक हो चुका, तो हम लोग इसे पहले लॉक खोलेंगे, यहाँ पर फटाफट लॉक खोलते हैं गाइस जल्दी से। गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने लॉक खोल दिया, अब यहाँ पर मैं ऐसे करके पकड़ लेता हूँ, ओके गाइस। अब यहाँ पर देखो हम लोग इधर से करेंगे, देखो ये जो हमारी तीन नंबर की बटन है यहाँ पे प्लस पे सप्लाई नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पर माइनस पे रखेंगे और हर बटन के प्लस पे हम लोग दबा के देखेंगे, ठीक। अभी यहाँ पर देखो हम लोग इस पे करेंगे सात नंबर के बटन पे, यहाँ पे ये माइनस पे एक पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग दूसरी बटन के प्लस पे रखेंगे ऐसे करके। देखो यहाँ पर नौ नंबर के आ रही सप्लाई काम नहीं बनेगा। अब हम लोग फिर से यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारी छः नंबर की बटन इस पर देखेंगे, ओके गाइस यहाँ पर देखो हमारा काम बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख लो, देखो ये तीन नंबर की बटन हमारी काम कर रही। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो हमारी तीन नंबर की बटन का प्लस वाला पॉइंट है इसकी लाइन यहाँ से आ रही है। अब गाइस ये जो हमारा चार नंबर का बटन है इसमें जो प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पर तीन नंबर के प्लस वाले पॉइंट के साथ जुड़ा है, और इसकी लाइन अंदर से कहीं से कट गई है इसलिए इसमें ब्रेक हो गई इसकी लाइन। आप लोग यहाँ पर देख लो, फिर से आपको यहाँ पर एक बार प्रेस करके दिखाता हूँ। देखो गाइस ये देखो काम बन जाएगा। अब शायद मेरे समझ में गाइस ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है इसकी भी सप्लाई यहाँ से आ रही होगी ये चार नंबर के बटन से। अब आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसे कट करता हूँ।
ये मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे सप्लाई, ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है इस पर सप्लाई नहीं आ रही और इस पर आ रही, तो आप लोगों को ये बीच वाला पॉइंट छोड़ देना। जिस बटन पे सप्लाई ना आए पॉइंट पे, प्लस हो या माइनस, आप लोग उस पॉइंट को छोड़ देना, और जिस पे सप्लाई आए आप लोगों को चिमटी का एक हिस्सा उस पॉइंट पे रख देना। यहाँ पे देखो हमारा सेट ऑफ हो चुका, हम लोग फिर से ऑन करेंगे। आपको इस प्रकार कोई नहीं बताया गया गाइस, ठीक जैसे मैं बता रहा हूँ। ये मैं सेट ऑन कर लेता हूँ गाइस फिर से, और आपको एक बार यहाँ पे इसे भी दिखा देना चाहता हूँ गाइस। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे, ये मैं नीचे आ गया हूँ, और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके गाइस, ठीक है। तो आपको इस प्रकार कोई नहीं बताया गया जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। और यहाँ पर हम लोग इसे प्रेस करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि करण भाई कुछ भी सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, लाइव प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ ये हमारी चार नंबर की बटन, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लो, ये बीच वाले पे सप्लाई नहीं आ रही, तो हम लोग ये माइनस पे रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ओके गाइस, यहाँ पर देखो ये भी काम बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख लो गाइस, अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे सप्लाई जा रही है। देखो यहाँ पर जो हमारी चार नंबर की बटन है, इसमें जो प्लस वाला पॉइंट है, इससे सप्लाई यहाँ पे जाती है प्लस में, और फिर यहाँ से जाती है तीन नंबर के प्लस वाले बटन पे। इस प्रकार गाइस हर एक बटन का कनेक्शन एक दूसरे से होता है, मैंने आपको करके भी दिखाया गाइस, लाइव दिखाया गाइस। अब यहाँ पर मैं उसी प्रकार गाइस यहाँ पर बना लेता हूँ। देखो ये जो हमारी चार नंबर की बटन है, ठीक है, ये देखो ये प्लस वाला पॉइंट, आप लोग यहाँ पर समझ लो ये प्लस वाला पॉइंट है। अब इसकी सप्लाई यहाँ पे जाती है प्लस वाले पे, यहाँ पे जाती है गाइस, ठीक है यहाँ पे, और इसकी सप्लाई यहाँ पे आती है गाइस। ये जो हमारी तीन नंबर की बटन नहीं काम कर रही है, ये तो यहाँ पे आती गाइस, ये देखो ये ऐसे होता है गाइस। हर एक बटन का कनेक्शन एक बटन से होगा गाइस, आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने ट्रेस करके दिखाया। अब मान लो बाय चांस यहाँ से 20 से लाइन कट जाए, तब यहाँ पे सप्लाई आना बंद हो जाती, तो हम लोग उस कंडीशन में यहाँ पर चिमटी की मदद से गाइस सप्लाई को ट्रेस करेंगे। कोई भी बटन हो जैसे नहीं काम कर रही, तो गाइस आपको इस प्रकार करना गाइस। देखो आपको मल्टीमीटर उठाना है और यहाँ पर आपको सप्लाई चेक कर लेना। मान लो इस पर सप्लाई आ रही है, ये मान लो इस पर सप्लाई आ रही प्लस वाले पॉइंट पर, माइनस पर नहीं आ रही, तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर माइनस वाला पॉइंट छोड़ देना है। देखो माइनस वाला छोड़ देना है, और यहाँ पर चिमटी का एक हिस्सा आपको प्लस पे रखना है, और दूसरे बटन के आपको माइनस पे, हर एक बटन के माइनस पे रख के देख लेना। जैसे वहाँ पे काम करने लगे तो आपको जंपर वायर उठाना है और यहाँ सीधा आप लोगों को जंपर मार देना गाइस। इस प्रकार हम लोग बटन को बनाते हैं गाइस, आपको कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ पर देखो मैं करूँगी क्या गाइस, देखो यहाँ पर मैं ये जो हमारी चार नंबर की प्लस वाली बटन, इस पर एक हम लोग एक जंपर मारेंगे और ये बीच वाले पर मार देंगे, यहाँ पर बन जाएगी, इसमें भी सप्लाई जाने लगेगी गाइस, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर मान लो यहाँ से बस लाइन कटी है या यहाँ से भी कट चुके, तो एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि हम लोगों को एक जंपर मारना पड़े। तो यहाँ पर देखो ये प्लस वाले पे मैं रखूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पर भी सप्लाई ब्रेक है, यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो मुझे तीनों बटन पर कनेक्शन मारना होगा गाइस, तीनों बटन पर मुझे कनेक्शन यहाँ पर करना होगा गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सप्लाई नहीं आ रही, मैंने सोचा अब यहाँ पर देख लेते एक बार। देखो यहाँ पर आप लोग देख लो गाइस, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जा रही है, देखो बीप की आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब ये लाइन यहाँ तक सही है, और ये वाली लाइन यहाँ से कट चुकी है। मान लो यहाँ से जो ये लाइन आएगी इस पे आ रही है, तो यहाँ से 20 से कट चुकी है, और यहाँ से यहाँ तक लाइन जा रही है, तो हम लोगों को एक जंपर मारना होगा। सिर्फ हम लोगों को यहाँ से एक जंपर मारना है और इस पर कर देना, मतलब जैसे ये, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर लाइन इसकी क्लियर है, बीप की आवाज़ आ रही है, आप लोग यहाँ पर फिर से देख लो, बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है, मतलब ये लाइन हमारी सही है। और कटी कहाँ पे है, यहाँ पे गाइस कटी है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोगों को जंपर वायर मारना होगा, आप लोग समझ लो गाइस, 20 से कट जाएगी तो सप्लाई नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं जंपर वायर लूँगा गाइस, आप लोगों के सामने बनाकर दिखा रहा हूँ गाइस वीडियो को, कुछ भी कट नहीं करूँगा गाइस। तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, बस गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जंपर वायर है, आप लोग कैसे मारोगे, सबसे पहले आप लोगों को पेस्ट लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैं पेस्ट लगाने जा रहा हूँ गाइस, ये ऐसे करके यहाँ पे मैं पेस्ट लगा लूँगा। ये देखो चार नंबर के प्लस वाले पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे, और यहाँ पर ये गाइस ये बीच वाले पे हम लोग पेस्ट लगा लेंगे। और गाइस यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर ज़्यादा रंगा नहीं लगाना, आप लोग ध्यान रखना गाइस, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं सोल्डिंग आयरन यूज़ करूँगा गाइस, यहाँ पर मैं 25 वाट की यूज़ करने वाला हूँ, तो आप लोग ज़्यादा रंगा मत लगाना गाइस, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। चाहे तो गाइस आप लोग यहाँ पर अपनी पतली वाली सोल्डिंग आयरन यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर चलो मैं 9 वोल्ट की सोल्डिंग आयरन यूज़ करूँगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर मुझे ज़्यादा रंगा नहीं लगाना गाइस, ठीक है, बटन पे, ये हमारी बटन अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर देखो गाइस ये मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने, ज़्यादा आपको रंगा नहीं लगाना गाइस, हल्का लगाना। यहाँ पर देखो मैंने इस पर मार दिया गाइस। अब यहाँ पर आप लोगों के ये बीच वाले के प्लस वाले पे ऐसे करके आप लोगों को जंपर मार देना गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार गाइस हम लोग बनाते हैं, कोई भी बटन जैसे ना काम करे तो आप लोग इस प्रकार उसे ट्रेस करके बना सकते हो। ट्रेस कैसे करेंगे, चिमटी की मदद से, और पहले आप लोगों को मल्टीमीटर से सप्लाई चेक करना होगा कौन से पॉइंट पर सप्लाई नहीं आ रही। आपको स्टेप बाई स्टेप चलना, जैसे मैंने बताया, आपके पास कोई भी फ़ोन आएगा तो आप लोग उसे तुरंत बना लोगे गाइस। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके मैं गाइस यहाँ पर कर लेता हूँ, ये गाइस यहाँ पे मैंने कर दिया। अब हम लोग इसका वायर यहाँ पे कट करेंगे, एक बार हम लोग फिर से करेंगे, इसे अच्छी तरह से आपको सोल्डिंग करना है।
गैस आपको इस प्रकार कोई नहीं बताएगा जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, मुझे पता है। तो प्लीज़ गैस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि गैस देखो आपसे मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो वीडियो बनाने की मेहनत गैस आप लोग दे दिया करो लाइक के जरिए गैस, लाइक और सब्सक्राइब गैस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप लोगों को प्यार सपोर्ट चाहिए गैस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग करेंगे गैस, क्योंकि यहाँ पर सोल्डिंग नहीं हो रहा अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से यहाँ पर मैं करूँगा गैस सोल्डिंग। ये यहाँ पे मैंने कर दिया गैस, अब यहाँ पर हम लोग इसका वर्क कट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है गैस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब गैस यहाँ पे सप्लाई आने लगी होगी। यहाँ पर मैं आपको सप्लाई एक बार चेक करके भी दिखा देना चाहता हूँ, मगर गैस यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने चिमटी की मदद से पता कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक बार मैं सप्लाई भी चेक करके दिखा देना चाहता हूँ। देखो वेट प्रूफ हम लोग ग्राउंड करेंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, देखो सप्लाई आने लगी है, यहाँ पे भी आने लगी होगी, जो हमारे 3 नंबर की बटन है यहाँ पर देखो गैस, ठीक है। हमारा फोन बन चुका है, इस बार गैस आप लोग बना सकते हो। अब यहाँ पर हम बटन को प्रेस करके भी आपको दिखा देना चाहता हूँ, फटाफट हम लोग इसका पत्ता लगाएंगे गैस, कीपैड पत्ता इसका, और इसे हम लोग पैक करेंगे गैस। तो आप लोगों को अच्छी तरह से इसे गैस लगाना, जो पत्ता होता है इसे आप लोग अच्छी तरह से लगाना, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है जैसे पत्ता अच्छी तरह से नहीं लगेगा ना गैस, आप लोगों की बटन यहाँ पे अच्छी तरह से काम नहीं करते, तो आप लोगों को पत्ता जरूर अच्छी तरह से लगाना है। आप लोग एक दबाओगे तो 2 दबेगा, 3 दबाओगे तो 4 दबेगा, इस प्रकार होता है गैस, मैंने चेक किया है। तो आप लोग यहाँ पर पत्ता उत्ता अच्छी तरह से लगा लेना गैस। अब यहाँ पर इसका हम लोग ये बोर्ड कहाँ गया, इसे हम लोग कसेंगे। यहाँ पर देखो ये रिंगर वाला वायर कट चुका है, इसे हम लोग यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि खोलते समय हो जाता है। तो आप लोग गैस इस प्रकार बना सकते हो, कोई भी फ़ोन आता है कीपैड में उसमें बटन ना काम करे गैस, यही तरीका आप लोग टच वाले फ़ोन में भी कर सकते हो गैस। वहाँ पर भी आपको 3 बटन दिया जाता है, एक प्लस, एक माइनस, एक गैस वहाँ पर पावर बटन, 3 बटन दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ पर भी ये तरीका करके सही कर सकते हो, वहाँ पर भी सप्लाई कट जाती है आप लोगों की, कभी भी बटन वहाँ पर भी काम नहीं करते गैस, तो आप लोग ध्यान। तो गाइस आप लोग इस प्रकार टच वाले फ़ोन में भी बना सकते हो, वहाँ पर भी सप्लाई कट जाती है इस प्रकार, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ गाइस, आप लोगों को लाइव यहाँ पे सिखा रहा हूँ गाइस। अभी यहाँ पर हम लोग फटाफट यहाँ पर इसे सोल्डिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग इसे पैक करते हैं गाइस। ये मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया गाइस, क्योंकि इसका एक वायर कट चुका था, और गाइस हम लोग इसे पैक करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, आप लोग फुल वीडियो को देखा करोगे गाइस, तभी आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख पाओगे फ्री में गाइस, आप लोग सीख रहे हो। और आप लोगों से इतना कहूँगा, जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैं ऐसे कर देता हूँ, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे पैक कर दिया अच्छी तरह से। आपको भी पैक कर लेना, जल्दबाजी नहीं करना गाइस, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़ोन को बनाया कीपैड, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी मत करना, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये मैंने पैक कर दिया गाइस, आप लोगों के सामने लाइव यहाँ पर बनाकर दिखाया गाइस। अब यहाँ पर मैं इसे गाइस बैटरी लगाऊंगा, छोटी बैटरी है, और यहाँ पर हम लोग सेट ऑन करेंगे। एक बार आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, सारी बटन हमारी वर्क करेंगे, ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया, सेट ऑन करेंगे, ये हमारा सेट ऑन हो रहा है, ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ओके गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सेट पूरा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग बटन को दबा के देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग पहले इसे कट करेंगे, ये मैंने कट कर दिया, 3 दबाएंगे, ये देखो 3 बटन काम करने लगी है। यहाँ पर अब हम लोग इसे दबाएँगे बीच वाली, देखो गाइस ये भी बटन हमारी वर्क करने लगी गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक बार मैं इसे अच्छी तरह से दबा देता हूँ गाइस, तो गाइस यहाँ पर अच्छी तरह से दब नहीं रहे गाइस, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह से दबेगी नहीं गैस, तो यहाँ पर ये बटन काम नहीं करेगी गैस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अच्छी तरह से यहाँ पे दब नहीं रही, क्योंकि इसमें रंगा ज़्यादा लग गया है गैस, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार बना सकते हो गैस, और जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को लाइव फ़ोन को बना कर दिखाया गैस, इसमें रंगा ज़्यादा लग गया है गैस, इस कारण यहाँ पर बटन दब नहीं रही। मैंने आपको क्या बताया, आप लोग जब भी वहाँ पर जंपर मारना बटन पर, तो आप लोगों को रंगा कम लगाना गैस। यहाँ पर देखो मुझे फिर से फ़ोन को खोलना पड़ रहा है गैस, तो आप लोग ध्यान रखना कुछ बातों का। तो यहाँ पर देखो ये रंगा ज़्यादा लग गया है गाइस, यहाँ पर हम लोग पेस्ट लगाएंगे और इसे हम लोग अच्छी तरह से फिर से कर देते हैं गाइस, ओके गाइस। ये देखो यहाँ पर मैंने पेस्ट लगा दिया, अब यहाँ पर मैं फिर से अपनी सोल्डिंग आयरन यूज करूँगा गाइस, ओके गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छी तरह सोल्डिंग कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग फिर से ये पत्ता को लगा लेंगे, ये मैंने लगा दिया, और यहाँ पर गाइस अब हम लोग इसे बटन को दबा के देखेंगे, हमारी बटन काम कर रही नहीं, आप लोगों के सामने होगा गैस, ठीक है। तो गैस यहाँ पर भी अभी भी नहीं दब रही गैस, मगर एक बार हम लोग इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि रंगा ज़्यादा लग जाता है तब ये प्रॉब्लम आती गैस। थोड़ी वीडियो और बची, आप लोग अभी कट मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने बनाकर दिखाने वाला हूँ। मैंने बना तो दिया गैस, आप लोगों को मैंने दिखाया भी है, मगर आप लोग और देख लो गैस, वीडियो को कट मत करना, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग इसे लगाएंगे अच्छी तरह से, इसकी बैटरी और सेट को ऑन करेंगे। ये मैंने बैटरी लगा दिया और सेट हमारा ऑन हो जाए जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर बैटरी अच्छी तरह से नहीं लग रही है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ सारे पॉइंट। ये आपकी इस बार ऑन हो जाएगा क्योंकि अभी बैटरी अच्छी तरह से नहीं लग रही थी। ये देखो यहाँ पर हमारा सेट ऑन हो चुका है। तो गाइस आप लोग इस प्रकार ट्रेस कर सकते हैं, आपके पास कोई भी फ़ोन आता है आप लोग इस प्रकार ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमारी बटन काम करने लगी क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने बीच वाली बटन दबाया, हमारा सेट ऑन हो चुका। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी बटन जैसे नहीं काम कर रही तो हर एक बटन का कनेक्शन एक दूसरे से होता है। यहाँ पर मैंने आपको लाइव यहाँ पर ट्रेस करके दिखाया, आप लोग इस प्रकार ट्रेस कर सकते हो गाइस। अब यहाँ पर देखो मैं कट करूँगा, यहाँ पर देखो हमारे तीन नंबर बटन, ओके। अब यहाँ पर बीच वाली देखेंगे, देखो ओके ओके गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं इस पर आता हूँ यहाँ पर सेटिंग पर और बीच वाली प्रेस करूँगा, ये देखो गाइस, ठीक ओके। तो आप लोग इस प्रकार बना सकते हो। जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो हरदम देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो करण भाई यहाँ पर आपको लाइव फोन को सही करके दिखाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार सही कर सकते हो। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय।